चलो भाई, हम बात करते हैं आज इंग्लिश की। तो इंग्लिश अपने आप में क्या है भैया? भाषा है। क्या है? अब भाषा समझने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करो कि जब हम छोटे थे तो हमने कुछ वर्ड्स सीखे और एक्टिविटीज सीखी। तो भाषा को सीखने के लिए हमारे लिए चार चीज़ें आती हैं, जैसे हम बोलते हैं LSWR, LSRW, ये फोर वर्ड्स होते हैं। LSRW, ठीक है। अब ये चारों को मिलाया तो एक वर्ड बनता है। अब लेकिन इन चारों से एक एक वर्ड्स बनते हैं, इनको फोर वर्ड्स बोल सकते हैं। क्यों? उसका एक रीजन है। एल का मतलब होता है लिसनिंग, ठीक है। एस का मतलब होता है स्पीकिंग, ओके। और आर का मीनिंग होता है रीडिंग, और W का मतलब होता है राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फोर पैटर्न होते हैं। अब इसको कैटेगरी को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, लिसनिंग और रीडिंग रीडिंग एंड लिसनिंग ये दोनों ही एक्सेप्टेंस स्किल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्किल्स कहलाती हैं, सॉरी, ठीक है। और स्पीकिंग एंड राइटिंग ये एक्सप्रेसिव स्किल्स कहलाती हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब हम लिसनिंग कर रहे हैं तो मतलब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, या रिसीविंग स्किल भी बोलते हैं, ठीक है। और रीडिंग भी करते हैं, वो भी हम क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं, वर्ड्स को अपने दिमाग में एंटर कर रहे हैं या स्टोरी को अपने दिमाग में हम एंटर कर रहे हैं। तो भाई एक्सेप्ट हम दो कंडीशन में करते हैं, या तो सुनकर या फिर पढ़कर, या तो हम सुनकर या फिर पढ़कर। और यदि हम बात करते हैं किसकी, स्पीकिंग की या राइटिंग की, तो ये दोनों चीज़ें एक्सप्रेस करती हैं चीज़ों को। जैसे कि हमने कुछ भी हमको बताना है, या तो हम बोलकर बताएंगे किसी को या फिर लिखकर बताते हैं। भाई लैंग्वेज आपको